नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। एक ही दिन में आए 239 मामले, 4500 से पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज प्रदेश में अब तक के सबसे ज़्यादा 239 पॉजिटिव कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 4500 पार पहुँच गया है। बता दें कि आज 35 मरीज ठीक होकर अपने अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन अभी भी 1311 एक्टिव केस है। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि अब तक प्रदेश में 3116 संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि अब तक 52 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है उत्तराखंड में। वहीं प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड 59.1% है और डबलिंग रेट 22.37 दिन है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार हरिद्वार जिले में कुल 61 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इनमें रुड़की में 31, भगवानपुर में 6, लक्सर में 2, हरिद्वार में 22 क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन है। उधम सिंह नगर जिले में 25 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसमें खटीमा में, बाजपुर में 5, गदरपुर में 2, सीतारंगंज में 1, काशीपुर में 3, रुद्रपुर में 5, जसपुर में 3 इलाकों को पाबंद किया गया है। देहरादून जिले में 7 कंटेनमेंट जोन है बनाए गए हैं। इनमें 4 विकास नगर क्षेत्र में आते हैं, जबकि उत्तरकाशी जिले में डुंडा और भटवाड़ी ब्लॉक में 4 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। उत्तराखंड में एक हफ्ते में 859 कोरोना के संक्रमित मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में सैंपलिंग बढ़ने के साथ ही कोरोना संक्रमित मामले का ग्राफ भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक हफ्ते में प्रदेश में 859 कोरोना मामले सामने आए हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 363 रही है। इससे प्रदेश की रिकवरी दर में कमी आई है। वहीं प्रदेश में कोरोना काल को 18 हफ्ते यानी 126 दिन समाप्त हो चुके हैं। 12 से 18 जुलाई तक 21,590 सैंपल की जांच हो चुकी है। संक्रमण के लिहाज से यह सप्ताह सबसे खराब रहा है। अब तक के बीते सप्ताह में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मामले 18वें हफ्ते में मिले हैं। इसमें उधम सिंह नगर देहरादून में सबसे अधिक संक्रमित मिले हैं। कोरोना आंकड़ों का अध्ययन कर रहे सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के स्थापक अनूप नौटियाल का कहना है कि रिकवरी की तुलना में संक्रमित मामलों की संख्या 496 अधिक है। यह स्थिति चिंतित करने वाली है। पहली बार संक्रिय मामले 1108 हो चुके हैं। दोस्तों, ये आपको खबर कैसी लगी? अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और इसी तरह की उत्तराखंड की अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।